बिहार विधान परिषद में श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग उठी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं श्री कृष्ण सिंह। बिहार सरकार को भारत सरकार के सामने प्रस्ताव देने की मांग, बीजेपी नेता सच्चिदानंद राय ने मांग उठाई। शराबबंदी मामले में आरजेडी का सरकार पर बड़ा आरोप, सीएम आवास के बाहर होती है शराब की डिलीवरी। पुलिस और सरकार की नाक के नीचे चलता है शराब का गोरख धंधा, आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का सरकार पर गंभीर आरोप। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना अंतर्गत कुवारी गांव में छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मेजरगंज थाने के एएसआई दिनेश राम शहीद हो गए। वहीं चौकीदार लालबाबू पासान भी जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस पर गोलियां बरसाने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। बिहार के सीतामढ़ी में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक दरोगा की मौत हो गई, वहीं एक चौकीदार जख्मी है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को कटघरे में लेकर अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके घर में सीधी पहुंच रखने वाले शराब माफिया में इतना दुस्साहस कहां से आया कि वो अब पुलिस का ही एनकाउंटर कर रहे हैं। विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पशुपालन मंत्री और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन बताया और कहा कि पता ना अगली बार रिचार्ज हो पाएगा या नहीं। दरअसल तेजस्वी यादव जब सदन में विमर्श के दौरान राज्य सरकार पर हमला कर रहे थे तो मुकेश सहनी ने बीच में ही कुछ कहना चाहा। इस पर तेजस्वी ने सहनी को कहा, आप चुप रहिए, आप तो रिचार्ज कूपन हैं। पटना में पाटलिपुत्र थाने से चंद कदमों की दूरी पर बर्थडे पार्टी में जाम के साथ बार बालाएं ठुमका लगा रही थीं। इस बीच पाटलिपुत्र थाने की पुलिस को खबर मिल गई। पार्टी शुरू होने के कुछ ही देर में पुलिस ने थाने के नजदीक स्थित सिटी पैलेस मैरिज हॉल को चारों ओर से घेर लिया और छापेमारी कर दी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा द्वारा बुधवार को 23 जिलों में प्रखंड अध्यक्षों की सूची जारी की गई। वहीं बीएसपी के प्रदेश सचिव अनंत कुमार सोनी और हरेश कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जदयू की सदस्यता ग्रहण की। बचे हुए 9 जिले बगहा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, पूर्णिया और सारण के प्रखंड अध्यक्षों की सूची भी शीघ्र जारी की जाएगी। बिहार के बेगूसराय में शराब तस्कर को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर वहां के स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया। पथराव में जहां 4 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दर्जनों महुआ शराब का पाउच बरामद करते हुए 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि तो मर्दानगी का काम है, जिसमें दम है वो बड़ा है। दरअसल ये बयान बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद आया है। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, जिससे नाराज होकर AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने ये बयान दिया। बिहार में CNG बसों को चलाने के बाद अब बैटरी से चलने वाली बसों को भी जल्द ही सड़कों पर उतार दिया जाएगा। पटना के फुलवरिया शरीफ स्थित वर्कशॉप में 8 नई इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। सरकार की योजना है कि पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक बसों को अलग अलग चरणों में सड़कों पर उतारा जाए। परिवहन निगम के सूत्रों के मुताबिक कुछ और बसें जल्द ही पटना पहुँच जाएंगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री से समय लेकर उद्घाटन करा दिया जाएगा।